Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video we're going to talk about all the cricket news and updates जो कल और आज की दुनिया में क्रिकेट वर्ल्ड में हुए हैं. So भाई सबसे पहले जो है पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया है, वेस्ट इंडीज का स्क्वाड आ गया है, बहुत सारे स्क्वाड्स आ गए हैं एंड कल सुबह सुबह मैचेस हैं तो उन स्क्वाड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके अलावा क्या क्या तड़कती भड़कती चीज़ें चल रही हैं, सुशांत मेहता के यहाँ क्या चल रहा है, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. सो इससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप नीचे जरूर लिखिएगा. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो मैच होने वाला है कल सुबह सुबह 5:30 AM इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग ये होने वाला है. तो भाई काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, मुझे नहीं लगता, बिकॉज हम लाइव सेशंस काफ़ी लेट करते हैं तो मुझे नहीं लगता हम काफ़ी लोग सुबह सुबह उठ पाएंगे. तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, वो सुबह 5 बजे उठ सकते हैं, वो ये मैच देख सकते हैं एंड देन 5:30 इट इज़ फॉर द इंडियंस. तो भाई प्लेइंग 11 पाकिस्तान की तरफ से आ गई है एंड न्यूजीलैंड की तरफ से खबर ये है दैट केन विलियमसन जो है वो आगे सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनके हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई है. तो केन विलियमसन जी आप कुछ ज्यादा इंजर हो रहे हैं आजकल, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, बॉडी का फिटनेस का ध्यान रखिए एंड हो सके तो आईपीएल से भी रेस्ट ले लीजिए क्योंकि अगर आगे आपको वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में खेलना है. सो क्विकली गेटिंग ऑन टू द पाकिस्तान स्क्वाड फॉर द मैच इन द मॉर्निंग. तो ये मैच इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 2 मैचेस जो है पाकिस्तान हार चुकी है. अगर ये कल का मैच भी हार जाते हैं देन दे हैव वर्चुअली लॉस्ट द सीरीज, वर्चुअली नहीं 100% लॉस्ट द सीरीज, 3-0 हो जाएगा एंड देन इट इज एक्चुअली अ डेड रबर. उसके बाद सीरीज जीतने के कोई चांसेस नहीं है. तो कल जो है पाकिस्तान को अच्छा मैच खेलना पड़ेगा एंड वो मैच जीतने की फुल ट्राई करनी पड़ेगी एंड फुल ट्राई वो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 3 चेंजेस जो है अपने स्क्वाड में कर लिए हैं. सो सब I'll just first read out the squad and then हम changes के बारे में बात करेंगे. So playing 11 में मोहम्मद रिजवान who is also the vice captain, he will open with Sayam Ayub, Babar Azam at number 3, Fakhar Zaman again at number 4, इफ्तिखार अहमद एट नंबर 5, आजम खान द विकेट कीपर तो इनको बैक किया जा रहा है एट नंबर 6. देन यू हैव अ चेंज कमिंग इन विच इज मोहम्मद नवाज. तो उसामा मीर को कर दिया है बाहर, नवाज को कर लिया है अंदर. तो ये अच्छा ऑप्शन है बिकॉज नवाज कम्स इन विद बैटिंग स्किल्स एज वेल. सो दिस इज अ गुड चेंज. शाहीन शाह अफरीदी हु इज द कैप्टन और जिनकी काफ़ी खबरें आ रही है कि हफीज के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आएंगे. उसके बाद हमारे आएंगे मोहम्मद वसीम जूनियर. तो मोहम्मद वसीम जूनियर को इन कर दिया गया है, आमिर जमाल को आउट कर दिया गया है. सो दे हैव बैक्ड अ गुड प्लेयर. मोहम्मद वसीम जूनियर कॉन्ट्रीब्यूट्स विद द बैट, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स विद द बॉल. तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी टेल को जो है स्ट्रेंथन की है. जो पहले कोलैप्सेस हो रहे थे मैचेस में, वो कोलैप्सेस को बचाने के लिए, रोकने के लिए दे हैव टेकन अ गुड प्रोएक्टिव एक्शन एंड टेल को स्ट्रेंथन किया है इन्होंने. मोहम्मद वसीम जूनियर को इन किया है. उसके बाद आते हैं जो हैरिस रॉफ है. हैरिस रॉफ ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, ही टुक 3 विकेट्स इन एन ओवर. सो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रन्स भी दिए थे. सो फाइन, ही इज देयर इन द टीम. एंड देन जो एक और चेंज है वो है जमन खान. तो हमारे व्यूअर्स हैं, आई रिमेंबर साजिद जी जो कश्मीर से आते हैं, वो पूछ रहे थे जमन खान को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो साजिद जी, दिस इज गुड न्यूज़ फॉर यू दैट जमन खान इज इन. एंड जो है अफरीदी, अब्बास अफरीदी जो यंगस्टर थे, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. उनकी एब्डोमिनल में, उनके पेट में कुछ स्ट्रेन सा है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, जिसके वजह से उनको बाहर कर दिया है. अब ये कितना रियल है, कितना फेक है, कितना बनाई हुई स्टोरी है, ये तो भाई हम नहीं जानते हैं. बट फॉर नाउ अब्बास अफरीदी इज आउट. ही वाज अ परफॉर्मिंग बॉलर फॉर पाकिस्तान. उनकी बैक ऑफ द हैंड जो स्लोअर डिलीवरी थी, वेरिएशन थी, वो काफी ज्यादा उनको अच्छा रिजल्ट्स दे रही थी एंड पाकिस्तान को भी. बट अनफॉर्चुनेटली उनके एब्डोमिनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है एंड नाउ ही इज सिटिंग आउट. सो भाई जमन खान इज गॉट अ चांस. ही इज अ स्पेशलिस्ट इन T20I एंड इनके जो डेथ में यॉर्कर्स हैं वो काफी ज्यादा फेमस हैं. सो 3 चेंजेस इन द पाकिस्तान स्क्वाड. इसमें मोहम्मद नवाज इन आए हैं इंस्टेड ऑफ उसामा मीर. देन यू हैव ज़मान खान इंस्टेड ऑफ अब्बास अफरीदी एंड यू हैव मोहम्मद वसीम जूनियर जो आएंगे इंस्टेड ऑफ जो इनके आमिर जमाल है. यस, आमिर जमाल है. तो उनके अकॉर्डिंग जो आमिर जमाल, इवन दो ही गेव अ गुड परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया, बट वो टेस्ट क्रिकेट थी एंड यहाँ जो है it's a different ball game altogether. So Wasim Junior is given a chance there. अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड में भी चेंज है, एक फोर्स चेंज है because obviously their captain Kane Williamson pulled his hamstring and last match में भी वो बीच में बैटिंग करते करते ही ड्रिंक्स ब्रेक में बाहर चले गए थे. So now he has been replaced. मेरे अकॉर्डिंग जो probable playing 11 होगा, Phil Allen and Devon Conway will open. Tim Seifert will come at number 3. वो replace कर सकते हैं केन विलियमसन को. डैरल मिचेल, ग्रेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर माइट बी द कैप्टन, मेरे हिसाब से मिचेल सैंटनर को दी जाएगी. एडम मिल्न जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट मैच में, टिम साउदी, इश सोदी एंड बेन सियर्स. तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे. नंबर 3 की पोजीशन अवेलेबल है एंड दैट मे बी टेकन बाय टिम साइफर्ट. तो भाई ये मैच कल सुबह सुबह अर्ली मैच है जो ये खेले जाने वाला है. सो यू नो इट इज एट द यूनिवर्सिटी ओवल इन डूनडिन एंड यहाँ आप ये मैच देख सकते हैं. सो भाई अर्ली मैच है. पाकिस्तान के फैंस जो है, लवर्स है, क्रिकेट लवर्स है, वो जरूर सुबह उठिएगा. हम ये वी विल ट्राई दैट यू नो जैसे मैच खत्म हो वैसे ही हम कोई वीडियो डाल दें या हम लाइव आ जाए, वो मैं आपको अपडेट करूंगी. सो बट ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान बिकॉज इफ पाकिस्तान लूज टुमारो देन सीरीज चली जाएगी और उसके बाद यू नो कोई मतलब नहीं है, देन इट्स जस्ट प्लेइंग फॉर प्राइड. इसके अलावा जो है दूसरा सुबह जो 5 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग एंड 4:30 बजे पाकिस्तान के अकॉर्डिंग मैच होने वाला है, वो है भाई वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. ये एक टेस्ट मैच है जिसमें यू नो वेस्ट इंडीज के काफी सारे जो है यंग प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया ने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड जो है वो निकाला है, यू नो रिलीज किया है. दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर दिस मैच क्योंकि ये WTC में इंक्लूडेड है. तो भाई स्टीव स्मिथ को हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ही विल ओपन द इनिंग्स एंड कैमरन ग्रीन जो है वो आ जाएंगे उनकी जगह नंबर 4 पे. तो स्टीव स्मिथ की जो ख्वाहिश थी ओपन करने की, वो ख्वाहिश पूरी हो गई है. ही डजंट वांट टू वेट टू बैट. ही सेज कि लाबुशेन जब से नंबर 3 पे खेलते हैं तो मुझे काफी सारा वेट करना पड़ता है अपनी बैटिंग के लिए एंड मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगता है. फॉर दैट रीजन ही वाज इंटरेस्टेड टू ओपन एंड डेविड वार्नर का जैसी स्लॉट ओपन हुआ उन्होंने उस पे यू नो अपना दावा बोला एंड ही वाज ग्रांटेड दी ओपनिंग स्पॉट. तो देखेंगे अगर स्टीव स्मिथ कुछ बढ़िया कर पाए तो इनके प्लेइंग 11 जो है मैं पहले रीड आउट कर देती हूं. प्लेइंग 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया इज उस्मान ख्वाजा एंड स्टीव स्मिथ. दे विल ओपन मानस लाबुशेन एट नंबर 3, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, एलेक्स कैरी द विकेट कीपर, Pat Cummins as the captain, Mitchell Starc, Nathan Lyon and Josh Hazelwood. तो ये इनकी जो 11 है वो आ गई है. So this match is going to be played at the Adelaide Oval and ये सुबह 5 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं. सो प्लेइंग 11 फॉर द वेस्ट इंडीज. तो भाई बहुत यंग टीम है, बहुत ही रॉ टीम है, बट दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन द यू नो द वार्म अप मैच जो पहले हुआ था. तो लेट्स सी अगर ये कुछ कर पाते हैं. सो आई रीड आउट द टीम. जो ब्रैथवेट है, ही इज द कैप्टन, चंद्रपॉल, मैकेंजी, एलिक अथानजे, केविन हॉज, इनका डेब्यू हो रहा है, जस्टिन ग्रीव्स, जोशुआ डिसिल्वा, गुडाकेश मोटी, अलजारी जोसेफ, किमार रोच एंड शमार जोसेफ. तो भाई ये डेब्यूज हैं, इनके 3 डेब्यूज हैं जो है इधर क्लियर है. एंड शमार जोसेफ का जो है काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं दैट यू नो ही हैज़ डन वेरी वेल. इनकी पेस जो है काफ़ी अप्रिशिएट की जा रही है. सो वी विल सी कि अगर मेन ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ वो वही पेस के साथ उसी तरीके से विकेट्स निकाल सकते हैं या नहीं. सो वी विल वॉच आउट फॉर शमार जोसेफ इफ़ ही प्लेज वेल. इसके अलावा जो है कावेम हॉज एंड जस्टिन ग्रीव्स, इनका जो है डेब्यू हो रहा है. जो है कर्क मैकेंजी एंड अथाजाने, दे हैव प्लेड 3 टेस्ट ईच एंड चंदम्बॉल हैज प्लेड 6 टेस्ट. उनका जो लास्ट ईयर था यही जो था वहां डेब्यू हुआ था. सो लेट्स सी, काफ़ी नए नाम हैं, 3 डेब्यूटांट्स हैं, थोड़ा बहुत ही हल्का एक्सपीरियंस है एंड जो ऑस्ट्रेलिया है सामने वो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड. तो कल ये 5 बजे आप ये उठ के ये मैच देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. इसके अलावा इंडियन टेनिस की तरफ से बहुत बड़ी ये न्यूज़ है. सुमित नागपाल जो है हमारे यंगस्टर हैं, ही हैज़ वन हिज यू नो फर्स्ट मैच एज द ऑस्ट्रेलियन ओपन. ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है इन लॉन टेनिस एंड ही has won the first match against a seeded player. Seeded player का नाम था बब्लिक and उन्होंने वो जीत लिया है। तो 34 इयर्स बाद सिंगल्स में एक सीडेड प्लेयर को इंडियन ने बीट किया है। तो सुमित नागपाल जो है वो काफी यू नो ही वेंट अगेंस्ट द एटीपी विच इज द जो फेडरेशन होती है लॉन टेनिस की, उनके अगेंस्ट गए थे। वो पाकिस्तान में उन्होंने खेलने से मना कर दिया था, उनको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं मिल पाई। एंड देन ही प्लेड द क्वालिफायर्स, ही वन द क्वालिफायर्स, ही वेंट इनटू द ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड ही हैज बीट द सीडेड बब्लिक इन हिज फर्स्ट मैच। एंड ऐसा बोला जाता है कि सुमित नागपाल के पास एक महीने या दो महीने पहले 900 यूरोस थे उनके बैंक में एंड ही डिड नॉट इवन हैव इनफ मनी टू मीट हिज बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एंड नाउ दिस गाय हैज वन यू नो द फर्स्ट राउंड एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड इट इज एन एक्साइटिंग डे फॉर ऑल स्पोर्ट्स लवर्स, स्पेशली जो लॉन टेनिस को फॉलो करते हैं। मैं तो फॉलो करती हूँ, मैं खेलती भी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लॉन टेनिस पे। सो we will see him, Sumit Nagpal, he has said विराट कोहली का मेरा you know बहुत हाथ है मेरे सक्सेस में। इफ विराट कोहली वॉज नॉट देयर तो आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन। सो ही हैज एट्रीब्यूटेड हिज विन टू विराट कोहली एंड हैज थैंक्ड हिम दैट उनका इनकी लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू विराट कोहली फॉर गेटिंग इंडिया दिस पर्टिकुलर गाय एंड गेटिंग हिम ऑन दिस स्टेज। जो भी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है सुमित नागपाल के करियर में, इनकी लाइफ में, उसके लिए हम सारे आपको थैंक यू कहते हैं। सो इसके अलावा अगर विराट कोहली और यू नो इंडियन टीम की बात ही चल रही है तो मैं बताना चाहती हूं कि रोहित शर्मा पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। इनफैक्ट कल के लाइव शो भी हमने काफी ज्यादा उनकी डिस्कशंस की थी एंड पीपल वर यू नो क्रिटिसाइजिंग एंड लेट डाउन दैट यू नो गोल्डन डक्स आ रहे हैं, बार बार स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप्स में कंसिस्टेंट फेलियर्स आ रहे हैं ओवर टाइम। तो यू नो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ रिटेनिंग हिम एज द कैप्टन। देखिए मेरे हिसाब से कैप्टनसी स्किल्स में उनका ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट जो कैप्टनसी की वजह से उनकी बैटिंग पे जो डाउनफॉल आया है उनका ओवर द टाइम, वो काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। तो मैंने जो रोहित शर्मा के टॉप स्कोर्स इन T20I क्रिकेट सिंस 2012 निकाले एंड वो मैं आपके सामने रीड करना चाहती हूँ क्योंकि इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। सो अगर टॉप 5-6 स्कोर्स हम रीड करें सिंस 2012 इन T20I वर्ल्ड कप्स, तो इसमें 74 वर्सेस नेपाल, 74 नॉट आउट वर्सेस नेपाल, 74 वर्सेस अफगानिस्तान, 72 वर्सेस श्रीलंका, 56 वर्सेस नामिबिया, 53 वर्सेस नेदरलैंड्स एंड 30 वर्सेस स्कॉटलैंड। तो ये इनके कुछ टॉप स्कोर्स हैं इन द T20 वर्ल्ड कप सिंस 2012। तो इसमें पहली चीज जो आप देखेंगे कि कोई भी बड़ी टीम्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं दिख रही आपको, इंग्लैंड नहीं दिख रही, साउथ अफ्रीका नहीं दिख रही, यू नो न्यूजीलैंड नहीं दिख रही, कोई भी ऐसी टीम नहीं है जहां यू नो बड़े नाम के बॉलर हैं। देयर इज नामिबिया, देयर इज स्कॉटलैंड, देयर इज अफगानिस्तान, देयर इज नेपाल, देयर आर ऑल दीज प्लेयर्स। तो भाई हमारे अगर कैप्टन और हमारे ओपनर इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप्स में अभी तक 12 साल में, तो भाई हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट इस टाइम कुछ चीजें चेंज होंगी व्हेन ही इज स्टिल गोइंग आउट ऑन डक्स। तो ये काफी कंसर्निंग बात है फॉर इंडियन क्रिकेट एंड स्पेशली सिंस द वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग अप। तो मैंने सोचा ये स्टैट था, काफी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग स्टैट था, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ एंड उनका भी मैं ओपिनियन चाहती हूँ कि आप रोहित शर्मा की इस T20 यू नो वर्ल्ड कप में इस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस पे आपका क्या ओपिनियन है। मेरे को नीचे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा दैट डू यू थिंक रोहित शर्मा विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप डिजर्व्स टू बी कैप्टन ऑफ टीम इंडिया हु इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर विनिंग द टाइटल। इस तरीके से यू नो अगर उनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, छोटे टीम्स के अगेंस्ट करेगी, तो हम फिर यही उम्मीद कर सकते हैं कि या तो वो युगांडा या नेपाल या कनाडा या यूएस, सिर्फ इन लोगों के साथ वो परफॉर्मेंस देंगे एंड यू नो बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो फिर उनका यू नो अंडा गोल ही रहता है जो ज्यादातर रहता है। सो भाई दैट इज क्वाइट कंसर्निंग, काफी चिंता की बात है। रोहित शर्मा के पास लास्ट चांस है जो कल के मैच में होगा एंड यू नो let's see if he can pull up his socks and score some you know good runs. इसके अलावा जो है एक कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में विच इज़ कंसर्न्स सुशांत मेहता को। सुशांत मेहता, वैसे तो मैं ऐसी चीज़ों पर डील नहीं करती हूँ, क्रिकेट का चैनल है सो हम नहीं बात कर सकते, बस सुशांत मेहता इज पार्ट ऑफ आर क्रिकेटिंग कम्युनिटी। वो एक यूट्यूबर भी हैं एंड क्रिकेट के जर्नलिस्ट भी हैं, काफ़ी टाइम से वो कवर भी करते हैं, तो भाई उनकी वहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही ट्वीट करके बोला कि मैं पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा हूँ, बॉयकॉट सुशांत मेहता। एंड यू नो कल रात से, कल शाम से ये काफ़ी ज़्यादा शोर पकड़ रहा है। कोई 3 साल पुरानी वीडियो है एंड वो वीडियो का फर्स्ट हाफ को इग्नोर किया जा रहा है, जहां हिंदू गॉड्स की यू नो मजाक उड़ाया गया था, एंड सेकेंड हाफ पे जोर दिया जा रहा है जहां उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोला था। सो भाई देखिए, आई फील मेरे जो व्यूअर्स हैं, हमारे काफ़ी पाकिस्तान से भी आते हैं, मुस्लिम व्यूअर्स भी हैं, इंडियन व्यूअर्स भी हैं, हिंदू व्यूअर्स भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए, वीडियो को पूरा देखना चाहिए, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, एंड देन ओनली यू शुड फॉर्मुलेट एन ओपिनियन। सेकेंडली उन्होंने एक बात कही थी दैट देखिए, अगर आप हिंदू गॉड्स पे जोक पे हंस सकते हैं तो अगर मुस्लिम गॉड पे जोक बनाया जाए तो वो भी एक कॉमेडी है, ये भी एक कॉमेडी है, तो दोनों को एज अ कॉमेडी आप लीजिए। जो उनकी बात में लॉजिक है दैट यू नो एनीबडी हु फाइंड्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो फनी विल ऑल्सो यू नो फाइंड द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो विच सुशांत हैज सेड ऑल्सो फनी। सो ऐसा नहीं हो सकता कि अपने रिलीजन के बारे में आप पोजेसिव हो जाए, आप यू नो उसको प्रोटेक्ट करने लग जाए, लेकिन दूसरे की रिलीजन की जब बात आती है तो उस पर आप यू नो गुस्सा हो जाए या उसको बॉयकॉट का यू नो ट्रेंड चलाने लग जाए। सो दैट इज नॉट राइट। सो वी आर यू नो I take a balanced view on this and lot of my viewers also are supporting Sushant Mehta। आप लोगों भी बताइए अपने viewers में, अपने comments में इस video में that you know what do you think about this controversy and are you supporting Sushant Mehta in this controversy as well। So इसके अलावा श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे है, सेकेंड T20I है, वो आज शाम को खेला जाएगा। तो भाई फर्स्ट T20I जिम्बाब्वे हार गई थी डिस्पाइट गुड परफॉर्मेंसेज बाय सिकंदर रजा, तो एंजेलो मैथ्यूज ने अच्छी परफॉर्मेंस एंड वो मैच जीत गया श्रीलंका। अब देखा जाएगा दैट यू नो इफ दे कैन डू इट द सेकेंड टाइम अराउंड। एंड अब न्यू लुक टीम है, नई टीम है, फ्रेश मैनेजमेंट है, तो क्या ये अपनी क्रिकेट कुछ बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा रांझी से ये न्यूज़ है, वैसे ज़्यादा नहीं कवर करूंगी मैं रांझी अभी, बट ये न्यूज़ है दैट रहाने जो है ही इज क्वाइट पम्प्ड एंड ही इज क्वाइट किक्ड। ही सेज मेरा नंबर 1 गोल है दैट मैं जो है अपनी टीम को रांझी ट्रॉफी जिताऊं, एंड सेकेंड जो गोल है वो है मैं इंडियन जो टेस्ट साइड है उसमें कम बैक करूं और मैं अपने 100 टेस्ट खेलूं। तो भाई रहाणे जी, दैट इज द यू नो स्पिरिट, दैट इज द मोटिवेशन। आप लगे रहिए, परफॉर्मेंसेस दीजिए, और अगर इंडियन टेस्ट स्क्वाड में कोई फेलियर्स होते हैं, कहीं भी कुछ फॉलबैक्स होते हैं, देन आई एम श्योर आपको या पुजारा को जरूर चांस दिया जाएगा, बिकॉज खुद पुजारा ने भी 243 नॉट आउट बनाया है इस टाइम रांची में। सो ऑल द बेस्ट टू रहाणे एंड पुजारा। आई होप दे कैन मेक अ कम बैक इन टू द इंडियन टीम एंड दे कैन गेट अ गुड फेयरवेल अगर उनको रिटायरमेंट भी लेनी है तो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू नो मैंने सारा राउंड अप आपको दे दिया है। इसके अलावा जो क्रिकेट वर्ल्ड में और भी खबरें होंगी, और भी मैचेस हो रहे हैं, उसका प्रीव्यू, पाकिस्तान का प्रीव्यू, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का प्रीव्यू, वो हम रात को आज लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, अपने व्यूअर्स से इंटरेक्ट करेंगे एंड उनके भी ओपिनियंस लेंगे रिगार्डिंग ऑल द मैचेस दैट आर गोइंग ऑन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप इफ यू लाइक द चैनल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड कुछ कमेंट्स होंगे तो आप वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।